वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं जी थोड़ा वैद्य मलकीत, थोड़ा स्वागत है जी अपने यूट्यूब चैनल जीवन दा आयुर्वेद ते। अज आप गल करते हैं, काफ़ी भैणा दे मैसेज आते हैं जिन्होंने लकोरीए की प्रॉब्लम है। काफ़ी लंबे समय तो जो लकोरीए की प्रॉब्लम भैणा आ रही है, कारण काफ़ी सारे हो सकते हैं ये लकोरीए दे। तुसीं इहदे विच परहेज़ की रखने ने, सावधानियां की ने, तो किन्ने क टाइम तुसीं ठीक हो सकते हो, की है इहदा इलाज, तुहानू पूरी आपां जानकारी जिहड़ी है वीडियो दे विच देवांगे। वीडियो नू शेयर जरूर कर दिओ, जानकारी चंगी लगी तां वीडियो नू लाइक ते कमेंट करके दसना तुहानू जानकारी किद्दां दी लगी, ते शेयर जरूर करिओ तां कि चार भैणां दा होर भला हो सके। बहुत ही अच्छी वीडियो रहिण वाली आ, बहुत ही अच्छा जो तुहानू नुस्खा दसांगे इहदे विच। इहदे लई तुसीं की करना है, सावधानियां की ने, गर्म चीज़ा तलिया हुई चीज़ा खट्टिया चीज़ा वार दिया तुसी नहीं खानिया। जो तुसी कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू करते हैं तो वह सख्त परहेज़ रखने चाहिए। वार का कुछ नहीं तुसी खाना है, फास्ट फूड तलिया हुई चीज़ा मैदे तो बनिया चीज़ा बिल्कुल ही नहीं खानिया, रिफाइंड की डालडा की तुसी सेवन नहीं करना। तो तुसी हर रोज़ 10 to 5 minutes तुसी सफेद फिटकरी पानी के घोल के कोई टप वगैरह जरूर बैठना है, ताकि जो गुप्तांगां की सफाई हो सके, जो बैक्टीरियल प्रॉब्लम है तुहानू वो ठीक हो सके, अंदर तक सफाई हो जाती है। ये सफाई का सब तो ज़्यादा ध्यान जरूर रखना चाहिए, अगर सफाई नहीं करोगे तो बैक्टीरिया वधन के फुलन के तो प्रॉब्लम तुहानू होर ज़्यादा हो जाएगी। चलते हैं जी, तुसी की ये मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन तुसी सब तो पहला लेनी है जी पतरांग आसव, ये पीने वाली होएगी। 4-4 चमचे तुसी दिन च 3 टाइम लेने हैं जी, सवेरे शाम बराबर पानी मिक्स करके। पतरांग आसव ये पीने वाली हैगी। पदरंतक लोह नाम की गोली आती है जी, वैद्यनाथ कंपनी की, काफ़ी अच्छी कंपनी तुहानू मिल जाएगी। पदरंतक लोह सवेरे शाम तुसी 2-2 गोलियां का सेवन करना है जी, पदरंतक लोह। ये अगर तुहानू पेशाब की जलन है तो तुसी इहदे नाल चंद्रप्रवा वट्टी का सेवन कर सकते हो। चंद्रप्रवा वट्टी सवेरे शाम तुसी एक एक गोली का सेवन करना है। उस तो बाद तुसी एक चूर्ण लेना, 1/2 चमचा सवेरे शाम पद्दरनाशक चूर्ण। जब तुसी पद्दरनाशक चूर्ण का सेवन कर सकते हो, या पुष्य नगु चूर्ण, दोनों चो कोई भी तुहानू चूर्ण मिले, 1-1 चमचा सवेरे शाम तुसी इहदा सेवन करना जी। खाना खाने तो 1/2 घंटा बाद पानी नाल, नॉर्मल पानी नाल, हल्के गर्म पानी नाल तुसी इन्हां दा सेवन करना। इस मेडिसिन दा सेवन तुसी 3 महीने तक कर सकते हो, जो तुहाडी प्रॉब्लम हैगी इहदे नाल वो प्रॉपरली ठीक हो जाएगी, तुहानू वापस नहीं होएगी। खाण पीन दा परहेज़ जरूर रखना है, मसाले तेज़ मिर्च वाली चीज़ा नहीं खानी है, ये सब तो ज़्यादा ध्यान रख, गल्लां दा ध्यान जरूर रखना है, तो फॉलो करो ये चीज़ों नू जो जो तुहानू दस्सिया ने, तुहाडी प्रॉब्लम जिहड़ी जड़ तो ठीक हो जाएगी। किन्नी भी पुरानी होवे कोई दिक्कत वाली गल नहीं, काफ़ी भैणा नूं नुस्खा दस्या होया, अजमाया होया नुस्खा है। अगर तुहानू कोई बच्चेदानी की प्रॉब्लम, PCOD है, कोई गांडर रसौली है, तो तुसी सानू अपने टेस्ट भेज के साडे नाल डिस्कस करके तुहानू आपां कोई अच्छा नुस्खा सजेस्ट कर देवांगे, जिहदे नाल तुहाडी प्रॉब्लम जड़ तो ठीक हो सके। इदां दे नुस्खे जानन लई साडे नाल जुड़े रहो, साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो, तो वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करियो। धन्नवाद जी।